दोस्तों Xiaomi का Mi 10i लॉन्च हो चुका है इंडिया में। हम पिछले कुछ दिनों से इस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं और आज हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक Q&A वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस तो आप बहुत सारे और जगह पे देख सकते हैं, एम्बार्गो है कंपैरिजन और रिव्यूज पे। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक FAQ वीडियो बना के। आपके बहुत सारे सवाल होंगे, उन सारे सवालों का हम जवाब देंगे इस वीडियो में। दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल फोन्स विद दैट 108 मेगापिक्सल कैमरा, तो काफी एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, देखते हैं कैसे निकल के आता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। काफी सारे सवाल हमने इस वीडियो के लिए पिक किया है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारे सवाल होंगे इस फोन को खरीदने से पहले। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इन डिटेल सभी कुछ चीज़ें जाननी हैं इस Mi 10i के बारे में तो हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो अगेन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दोस वीडियोस। पहला सवाल यहाँ पे हमें देखने को मिला है, व्हाट इज द मटेरियल ऑन द बॉडी एंड द बैक ऑफ द Mi 10i। तो जो चासी है वो हमें प्लास्टिक का लगता है, पहले मेटल लगा था बिकॉज इट हैज अ फ्रॉस्टेड लुक, लेकिन जब हम मेटल को हाथ में लेते हैं तो काफी ठंडा फील होता है। ऐसा फीलिंग हमें Mi 10i पे नहीं देखने को मिला है, विच मेक्स अस बिलीव दैट इट इज अ प्लास्टिक फ्रेम। लेकिन जो बैक है वो ग्लास का बना है। ये जो रंग बिरंगा कलर है हमारे पास, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट कलर्स ऑफ द Mi 10i। अगर आप लेना चाहते हैं फोन तो ये कलर जरूर लीजिए, इट लुक्स क्वाइट गुड। एंड ये एक मैट फिनिश ग्लास है तो काफी प्रीमियम भी फील होता है हाथों में, एंड वी प्रेफर इट ओवर द ग्लॉसी बैक्स जो हमें दूसरे फोन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट वन हैंड यूजेबल? तो आई डोंट थिंक सो, आई वुडंट से इट इज वन हैंड यूजेबल। काफी बड़ा है फोन एंड इतना हल्का भी नहीं है, एंड स्पेशली आई एम स्विचिंग फ्रॉम द iPhone 12 mini एंड द Pixel 4a which both are compact phones, तो मुझे काफी बड़ा फील हुआ, एक दो दिन लगा यूज टू होने में। बट वंस यू आर यूज टू, यू कैन यूज द फोन क्वाइट इजीली। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ा है या फिर भारी है, आई वुड से इट्स डिसेंट। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसे दो हाथ से यूज करने वाले हैं। रिलेटेड टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैवी इज इट? तो मुझे ग्राम्स में वेट तो नहीं पता इसका, बट आई वुड से पोको एक्स जितना तो भारी नहीं है, बट येस इट इज क्वाइट हैवी, इट्स नॉट वेरी थिक, एवरेज साइज का मैं बोलूंगा। आराम से अगेन आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है इन डे टू डे यूजेज। स्टीरियो स्पीकर्स क्या इस फोन में हमें देखने को मिलते हैं? येस स्टीरियो स्पीकर्स हमें देखने को मिल जाता है, क्वालिटी अच्छा है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, बट इट शुड बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर यूजुअल मूवीज एंड गेम्स जो भी आप करते हैं आपके फोन पे। तो स्पीकर्स आर क्वाइट गुड ऑन द Mi 10i। हेडफोन जैक, आयर ब्लास्टर ये मिल जाता है क्या फोन में? तो जी हाँ, दोनों हमें मिल जाता है, Xiaomi ने हेडफोन जैक को नहीं निकाला है, विच इज नाइस टू सी। हैप्टिक्स कैसे है इस फोन में? तो हैप्टिक फीडबैक आई वुड से इज डिसेंट, इट्स नॉट एज गुड एज समथिंग लाइक द OnePlus Nord जिसमें हमें काफी अच्छे हैप्टिक्स देखने को मिले थे। इवन द Moto G 5G फॉर दैट मैटर हैड क्वाइट गुड हैप्टिक्स, इसमें इतना अच्छा नहीं है, बट इट्स सर्टेनली बेटर देन फोन्स इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 10,000 to 15,000 रुपीज। तो उन फोन्स के कंपैरिजन में बेटर है Mi 10i पे हैप्टिक मोटर, लेकिन OnePlus Nord जितना अच्छा नहीं है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हमें इस फोन में मिलता है कि नहीं? तो जी हाँ, 33 वॉट का फास्ट चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, एंड चार्जिंग ड्यूरेशन जो है वो हम अपने फुल रिव्यू में मेंशन कर देंगे, बट येस फास्ट चार्जिंग इज सपोर्टेड। डुअल सिम मिलता है कि नहीं? एक्सपेंडेबल मेमोरी है कि नहीं? तो हाइब्रिड स्लॉट हमें मिलता है, सो ईदर यू हैव टू यूज 2 SIM cards और 1 SIM card एंड 1 SD card। तो अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए और आपको डुअल सिम भी यूज करना है तो आप हायर मेमोरी वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। केस मिलता है कि नहीं बॉक्स के अंदर? तो जी हाँ, एक TPU केस मिल जाता है, ट्रांसलूसेंट केस है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक मैट फिनिश के साथ आता है, एंड वी पर्सनली लाइक इट ओवर द यूजुअल ट्रांसपेरेंट TPU केसेस दैट वी गेट। क्वालिटी काफी अच्छा है यहाँ पे। एंड हाँ, और एक बात, स्क्रीन गार्ड हमें प्री अप्लाइड मिल जाता है फोन के ऊपर, विच इज अगेन नाइस अंटिल यू गेट अ टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर। फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ पे है और कैसा है? तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है हमें इस फोन में, एंड आई वुड से इट इज क्वाइट फास्ट एंड एक्यूरेट। फेस अनलॉक है कि नहीं? तो जी हाँ, फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिल जाता है। रैम और स्टोरेज के बारे में बताइए। तो LPDDR4X रैम है इस फोन में, एंड UFS 2.2 का स्टोरेज है, विच इज आई थिंक क्वाइट स्टैंडर्ड फॉर दिस प्राइस रेंज। अगेन एक्सपेक्टेड प्राइस है, हमें एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता बाय द टाइम वी आर शूटिंग दिस वीडियो, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 के आसपास आ सकता है, 23-25 हज़ार के तो अंदर ही होगा, लेट्स सी। डिस्प्ले टाइप क्या है? तो IPS LCD डिस्प्ले है इस फोन में, विथ दी डॉट नॉच या फिर होल पंच जो भी आप बोल सकते हैं इस डिस्प्ले को। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, एंड द डिस्प्ले इन आर इनिशियल इंप्रेशंस हैज़ बीन क्वाइट गुड, काफ़ी ब्राइट भी है, एंड अगर आप कॉन्टेंट
कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन पे, तो यू आर गोइंग टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे नहीं है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऑफकोर्स यू डोंट गेट द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, दैट्स द रीजन हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है इस फोन पे। एच डी आर केपेबल है कि नहीं, तो जी हाँ, ये एक एच डी आर 10 कंप्लायंट डिस्प्ले है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है कि नहीं, तो जी नहीं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, अगेन गिवन दैट इट्स नॉट एन ओलेड पैनल। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है? सो इट कम्स विद MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स, जो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रॉयड वर्जन क्या है। तो एंड्रॉयड 11 नहीं है, एंड्रॉयड 11 आके काफ़ी कुछ महीने हो गए यार, कम ऑन ब्रांड, स्टार्ट शिपिंग फोन्स विद एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, तो नहीं मिलता है, एंड्रॉयड 10 ही मिलता है। बट जो MIUI हमें मिलता है Mi 10 आई पे, इट इज़ अ स्लाइटली क्लीनर एक्सपीरियंस दैन वॉट यू वुड गेट ऑन अ रेडमी फोन। तो एड्स नहीं मिलते, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स है कि नहीं MIUI पे, तो एड्स नहीं मिलता हमें, बट ऑफकोर्स यू विल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द स्टॉक एप्स एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्स इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्री इंस्टॉल्ड एप्स या फिर ब्लोटवेयर आप कह सकते हैं वो है, आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ दीज एप्स डिडंट कम प्री इंस्टॉल्ड एट ऑल। तो दैट इज़ विथ रिगार्ड्स टू दी सॉफ्टवेयर। गुड फॉर गेमिंग और नॉट, तो देखिए स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर है, गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते इस वीडियो में, बट वी वुड से 750G इज क्वाइट अ केपेबल चिप। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं बेस्ड ऑन गेमिंग परफॉर्मेंस, तो अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन क्या है कैमरा ऐप में? सो रियर कैमरा कैन शूट इन 1080p 60fps एंड 4K 30fps, एंड जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है दैट इज लिमिटेड टू 1080p 30fps। जो EIS का सपोर्ट है वो हमें मिल जाता है रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा पे, लेकिन 1080p 60fps में अभी स्टेबलाइजेशन नहीं है। आई डोंट नो, मे बी दे माइट इनेबल इट विद अ सॉफ्टवेयर अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंड्रॉयड अपडेट्स विल यू गेट विद द Mi 10i? तो ये तो भाई सिर्फ Xiaomi ही बता सकता है। एंड्रॉयड 10 अभी है बॉक्स के अंदर, तो एंड्रॉयड 11 तो मिलेगा जल्दी और एंड्रॉयड 12 भी मिलेगा इस फोन को, इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग। उसके बाद तो भाई भगवान के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइड वन L1 का सपोर्ट है कि नहीं? तो जी हाँ, वाइड वन L1 का सपोर्ट है। कैरियर एग्रीगेशन, वॉइस ओवर वाईफाई, ये सभी चीज़ें हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरिल्ला ग्लास मिलता है क्या इस फोन पे? तो सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है, विच इज़ गुड, लेकिन ऑफकोर्स आप टेम्पर्ड ग्लास लगा लीजिए, बिकॉज अगेन एज जेरी रिग एवरीथिंग सेज ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास ब्रेक्स। GCam मॉड है कि नहीं इस फोन के लिए? तो अभी के लिए तो हमने सर्च नहीं किया है GCam मॉड के लिए इस स्पेसिफिक फोन के लिए Mi 10i के लिए, लेकिन अगर मिलेगा तो ज़रूर उसे इंस्टॉल करके हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे GCam वर्सेस स्टॉक कैम, तो अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। 108 मेगापिक्सल फोटोज ले सकते हैं कि नहीं? तो ऑफकोर्स 108MP का कैमरा है, तो 108 मेगापिक्सल फोटोज आप ले ही सकते हैं, डेडिकेटेड मोड मिल जाता है। What are the other cameras on the Mi 10i? तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में मिलता है 8 मेगापिक्सल का, इसके आउटपुट इतने अच्छे नहीं है, बट अगेन इट्स क्वाइट डिसेंट। मैक्रो कैमरा मिलता है और डेप्थ सेंसर मिलता है। मोर ऑन द कैमराज इन आर फुल रिव्यू। चार्जिंग पोर्ट कौन सा है? तो USB-C पोर्ट मिल जाता है, ऑफकोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर द प्राइस। वायरलेस चार्जिंग जैसा फीचर नहीं है इस फोन में। कलर ऑप्शंस क्या है? तो हमारे पास ये जो रंग बिरंगा कलर है, इसके अलावा एक ब्लू कलर है और एक ब्लैक कलर है, बट पर्सनली एज आई ऑलरेडी मेंशन, दिस इज वन ऑफ आर फेवरेट कलर्स। बैटरी कैपेसिटी क्या है? तो 4800 mAh के आसपास है, एंड दिस शुड बी सफिशिएंट टू गेट यू थ्रू द एंटायर डे। आपको रात में चार्ज पे लगाना पड़ेगा फोन को। When is the sale and what is the price of the phone? तो as of shooting this video, sale का date हमें exactly नहीं पता, but usually launch के एक हफ्ते बाद होता है sale, so आप calculation कर लीजिए। जो price है वो actually कल एक leak निकल के आया था Amazon पे कि 24999 पे ये start होने वाला है Mi 10i, but I don't think that is right. आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग के Xiaomi बहुत ही एग्रेसिव प्राइस करेगा इसे, 20,000 पे आ सकता है ये 19999, बट दैट वुड बी क्वाइट अ स्ट्रेच। आई एम होपिंग के अराउंड 22,000-23,000 के आसपास अगर ये फोन आ गया तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द Q&A ऑफ द Mi 10i FAQ, जो भी आप बोलना चाहते हैं। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं जो हमने आंसर नहीं किया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू Q&A सीरीज, तो आप
हमें ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग #AskTechPP जो भी आपके क्वेश्चंस है, और हम उसे एक वीडियो में आंसर कर देंगे जो फ्राइडे को आने वाला है। तो बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।